और यार ये पराठे को इसका नाम है इमरजेंसी का जुगाड़। ये रोटी नहीं है भाई, ये पापड़ है। पापड़ आप ऐसे हवा कर सकते हो, हाथ में चिपक जाएगा, सुबह दिक्कत होगा फिर। पहली बात तो रोटी नहीं मिलती है सिंगापुर में, ज़्यादातर हर दुकान पे नहीं मिलती। मतलब रोटियाँ चावल से ज़्यादा महंगी है यहाँ पे यार। माँ कसम मेट्रो हा जैसी बन रखी है, जैसे कतई मुंबई लोकल। एक रोटी रेस्टोरेंट में तो बुरा हाल है, 200 रुपये की एक रोटी मिलती है। सतर्क हो जाओ भाई, सिंगापुर में बुरा हाल है रोटियों का। भाई मैं आ गया फूड कोर्ट में, खरीदने रात के डिनर के का जुगाड़। हाय हाय। तो भाई यहाँ बहुत सारे डोसे बन रहे हैं और भाई चपाती पैक कर रहे हैं उधर। तो भाई मैंने पैक करा लिया 2 रोटी, तो रात के डिनर का जुगाड़ तो हो गया, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है अब। तो भाई आज का स्पेशल व्लॉग होने वाला है रोटी के ऊपर। भाई रोटी के लिए दुनिया भाग रही है इधर उधर, रोटी की लड़ाई है भाई। तो आज बात करेंगे पूरे व्लॉग में रोटी ही की। तो भाई सिंगापुर में रोटी का बड़ा प्रॉब्लम है यार, मतलब प्रॉब्लम इन द सेंस मैं आपको बताता हूँ आगे चलते चलते। अभी मैं ऑफिस से निकला हूँ और अपन चलते रहेंगे और बातें भी करते रहेंगे। तो भाई ये कुछ ऐसा सा मेट्रो स्टेशन है, यहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे घर के लिए। तो भाई कहने की बात ये है कि अगर आप चावल खाने वाले हो ना, तो भाई आप थोड़े बहुत पैसे बचा ले जाओगे, लेकिन अगर आप रोटी खाने वाले आदमी हो तो भाई फिर गड़बड़ है यार। मतलब रोटियां चावल से ज़्यादा महंगी है यहाँ पे यार। हाँ कसम मेट्रो हा जैसी बन रखी है, जैसे कतई मुंबई लोकल। भाई बहुत भीड़ है यार मेट्रो में आज। तो यार मेट्रो में बहुत भीड़ थी, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यार अपने जैसे इंडिया में या ट्रेन व्रेन में जाते हैं तो लोग मतलब चिपक चिपक के भी खड़े हो जाते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ ये सिस्टम है कि भाई आप एक दूसरे से अगर टच हो गए ना, तो मतलब बड़ा अनहाइजीनिक मानते हैं। मतलब ऐसे मतलब अजीब सा लगता है यहाँ के। तो यार जब मैं नया नया आया था सिंगापुर में, तो मतलब मेरे साथ भी ये होता था, क्योंकि अगर इंडिया में क्या आदत थी कि अगर आप किसी से मेट्रो वगैरह में टच होके भी खड़े हो गए ना, मतलब तो इतना कोई ध्यान देता नहीं, क्योंकि वो बड़ा नॉर्मल है सबके लिए, भीड़ इतनी है हर जगह। लेकिन यहाँ पे जैसे मैं आता था या फिर बस में अगर मैं जैसे टच भी हो गया, तो मतलब तो लोग थोड़ा सा दूर हो जाते हैं, मतलब एकदम से हट के दूर हो जाते हैं। तो भाई दोबारा से वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, रोटी। रोटी का खर्चा भाई, रोटी का मोटा खर्चा है सिंगापुर में। चावल खाने वालों के लिए तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, सिंगापुर में मौज ही मौज है। क्योंकि चावल यार यहाँ पे ना सस्ते आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में चावल चावल ही खाया जाता है। मतलब चावल का ये है कि भाई अगर आप लंच में या ब्रेकफास्ट कर रहे हैं या फिर लंच कर रहे हैं या कुछ भी डिनर कर रहे हैं, तो आप इंडियन दुकान पे जाएंगे, वहाँ पे आप कहेंगे कि भैया एक मील दे दे, वो उसमें क्या करता है, एक जो मील होती है यूजुअली जो प्राइस है सिंगापुर में चावल के साथ, तो वो है बेसिकली चावल दे देगा, चावल के साथ में आपको 3 सब्जी देगा, पापड़ भी देगा, रसम वसम सब कुछ देगा, पूरा भर के मील देगा। और वो कॉस्ट मतलब पड़ती है करीबन $4.50 से $5 के आसपास पूरी मील पड़ जाती है। वहीं लेकिन अगर रोटी की बात करें, पहली बात तो रोटी नहीं मिलती बहन, मतलब सिंगापुर में पहली बात तो रोटी नहीं मिलती है सिंगापुर में, ज़्यादातर हर दुकान पर नहीं मिलती, बहुत कम दुकान में मिलती है। प्लस कोरोना से पहले क्या था कि अगर आप रोटी खा रहे हैं तो एक रोटी मिलती थी करीबन $1 में एक रोटी मिल जाती थी। तो भाई ये हुआ क्या, कोरोना के बाद इंडिया में गेहूं के प्राइस बढ़ने लग गए, कंट्रोल नहीं होते। तो गवर्नमेंट ने क्या किया इंडिया में प्राइस कंट्रोल करने के लिए, उन्होंने क्या किया कि वीट के गेहूं के एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया। अब उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि अब हम यहाँ पे हम सिंगापुर में एक्सपोर्ट होता था सारा गेहूँ, तो आटा तो इंडिया से ही आता था, मतलब आशीर्वाद का वगैरह सब आना धीरे धीरे बंद हो गया भाई साहब। उसके बाद से जैसे अभी यहाँ पे जो आटे की जो एक वो मिलती है ना, 1.5 किलो का जो पैकेट मिलता है आशीर्वाद का आटा, वो पहले मिलता था करीबन $7 का। मतलब है कि करीबन 350 से 400 रुपये आप लगा लो, 400 रुपये के आसपास का मिलता था भाई। उस टाइम तो इतना बुरा हाल हो गया, मतलब आटा नहीं मिल रहा यार सिंगापुर में, पूरा दुकान मतलब ऐसी हालत थी कि हम दुकान दुकान भटक रहे हैं लेकिन आटा नहीं मिल रहा कहीं पर, तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया था। तो जिसको जहाँ से मिल रहा था लोग मतलब 5-5, 10-10, 20-20, 30-30 किलो स्टॉक कर ले रहे थे, तो जल्दी से मिलता नहीं था आटा। और भाई आटे के तो रेट ऐसे बढ़ गए थे, तो मतलब मैंने जो आटा लिया हुआ, मैंने ये लगा लो कि मैंने $20 का 5 किलो आटा भी ले रखा है, जो पहले कभी $7.50 का आटा मिलता था 5 किलो, वो $20 का आटा मैंने ख़रीदा हुआ है। इतनी बुरी हालत थी यार,
क्या करें, अब चावल तो हमें पसंद नहीं है तो हम फिर आटा ही मतलब अब खरीदना पड़ता था भाई, क्या करें, रोटी तो खानी पड़ेगी ना यार। तो ये बड़ी प्रॉब्लम थी। उसके बाद से फिर गवर्नमेंट ने क्या बोला कि उसके बाद से फिर आटा आने लगा सिंगापुर में, क्योंकि इंडिया से आ नहीं रहा था, उसके बाद आने लगा उस, और फिर उसमें अब वो इंडिया से नहीं आ रहा था, कोई श्रीलंका से आटा आ रहा है क्योंकि इंडिया ने तो एक्सपोर्ट बूम बैन कर दिया। तो उसके बाद से यार मतलब ये प्रॉब्लम रही, लगा लो 3-4 महीने बड़े परेशान हुए आटे के चक्कर में, क्योंकि आटा नहीं मिल रहा था। फिर उससे क्या हुआ कि हाँ आटा मिलने लगा, लेकिन आटा महंगा मिलने लगा। अभी फिर अब वही वाली बात है कि भाई एक बार जब किसी चीज़ के रेट बढ़ गए ना, फिर वो भाई साहब कम नहीं होते। तो जो आटा पहले मिलता था $7.5 या $7 के आसपास भी जो आटा 5 किलो मिल जाता था, अब वो $10, इससे कम आटा नहीं मिल रहा है इस टाइम पे। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ अभी भी मतलब 9.5-10 के आसपास में बना हुआ है, इससे कम तो अब मुझे लगता नहीं कि यार आएगा, नहीं आएगा भाई। तो उस कारण क्या हुआ कि भाई क्योंकि जब आटा नहीं था तो फूड कोर्ट ने भी रेट वेट बढ़ा दिए रोटियों के। तो पहले अब जो रोटी है भाई, अब तो बड़ा मुश्किल है कि $1 की रोटी कहीं मिल जाए, $1.5 की एक रोटी मिलती है। तो मैंने जो अभी खरीदी है, मैंने रोटी खरीदी है, दो रोटी खरीदी है मैंने, दो रोटी मेरे को पड़ी हैं $2.60 की। $2.60 का मतलब है 6 × 12 और 30, ₹150 की दो रोटी पड़ी है मेरे को फूड कोर्ट से। और अगर यहीं कहीं, वो फूड कोर्ट में फिर भी थोड़ा सस्ता मिल जाता है, लेकिन अगर यहीं कहीं मैं चला जाता रेस्टोरेंट में, तो भाई एक रोटी रेस्टोरेंट में तो बुरा हाल है, एक रोटी का प्राइस है रेस्टोरेंट में $3 के आसपास का प्राइस है। $3 का मतलब है 1880 रुपये या ₹200 की एक रोटी मिलती है। बटर लगवा लोगे तो उसमें फिर और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो भाई रोटी वालों के लिए बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे। अब ये है कि मैं अब जैसे लंच में जाता हूँ तो मेरे ऑफिस के पास में 3-4 इंडियन शॉप हैं, लेकिन वहाँ पे एक ही शॉप ऐसी है जहाँ पे रोटी मिलती है, वरना तो भैया दह चावल और दह सब्जी, बस चावल और सब्जी खाए जाओ यार। अब प्रॉब्लम, अब यहाँ पे ज़्यादातर लोग रहते हैं साउथ इंडियन, तो भाई वो फिर तो रोटी तो खाते ही नहीं यार, वो तो चावल ही चावल पीलते रहते हैं, तो भाई उनका अपना है, अभी हमें चाहिए रोटी। तो ये सब बड़ी प्रॉब्लम है यार रोटी की। चावल अगर खाते हो तो भाई वो आपका जो एक मील है ना, उसमें वो चावल ऐसे डालता रहेगा, भर के इतने सारे चावल दे देगा, जब तक आप कहोगे भाई रुक जा डाल देगा चावल। तो चावल ऐसे कि भाई $1 का तो दुनिया भर का चावल आ जाता है। तो चावल खाने वालों के लिए मौज है, और रोटी खाने वाले तो भैया परेशानी हो रहे हैं। तो अब मैं भी घर आ गया हूँ और रोटी निकालेंगे, गर्म करेंगे क्योंकि ठंडी हो गई होगी। सब्जी मैंने कल ही बना रखी थी बढ़िया मस्त शाही पनीर, सब्जी को गर्म करेंगे, रोटी निकालेंगे गर्म करेंगे, चक देसी खा के फिर मौज लेंगे। तो भाई लोगों ऑफिस से आ गया, थोड़ा आराम कर लिया, रेस्ट कर लिया, थोड़ी बहुत नमकीन नमकीन खा ली, अब अपन खाएंगे रोटी। तो भाई सिंगापुर की महंगी रोटी, फ्रिज से निकालता हूँ मैं थोड़ा अपना जुगाड़। तो भाई कल मैंने बनाया था शाम को शाही पनीर, और आराम से शाही पनीर खाएंगे। तो भाई ये हैं वो रोटियां जो मैंने ख़रीदी हैं बाहर से। तो भाई एक ₹150 की रोटी हैं, देखो इनकी हालत देखो यार, क्या बुरा हाल हो रखा भाई। पलोथन तो ऐसे दबा के पेल रखा है, मतलब ये भाई साउथ इंडियन रोटियां हैं, तो हाल अच्छा नहीं है। ₹150 लग गए हैं, पर रोटियां ऐसे ही हैं, कम चलाऊ सी हैं बस। तो भाई जो रोटियां ख़रीद के लाया था मैं, ये रोटियां दिखाऊं आपको, शक्ल दोबारा दिखा देता हूँ आपको यार, ये देखो रोटी की शक्ल कती सफ़ेद हो रही है भाई, पलोथन में बिल्कुल आपको दिख नहीं रही होगी, मुझे पता नहीं। तो मैं इनकी थोड़ी सी शक्ल सूरत बढ़िया कर लेता हूँ यार, क्योंकि घर से घी लाया देसी, बढ़िया इनकी इनको गर्म कर लेता हूँ, और देसी घी घर से लाया था इंडिया से, इनकी थोड़ी शक्ल बढ़िया बना देता हूँ यार, तभी मज़ा आएगा खाने में पनीर के साथ में। तो भाई गर्म हो जाए रोटी मेरी। के डिनर में ये रोटियां हैं दो, और ये है भाई जबरदस्त वाला शाही पनीर जो मैंने कल रात को बनाया था। तो चलो शुरू करते हैं आज का डिनर। भाई रोटी तो कती पापड़ हो गई है, मतलब मैंने गरम कर दिया यार, ये पापड़ हो गई है। तो माँ कसम भाई लोगों,
खाना खाने में ना मजा नहीं आ रहा यार, ये देखो मतलब ये रोटी नहीं है भाई, ये पापड़ है पापड़। तो भाई ये 80 रुपये का पापड़ है, इससे आप ऐसे हवा कर सकते हो। पनीर तो यार ज़बरदस्त है यार, इसीलिए कहते हैं यार खाना ना आराम से घर लो और घर पे आराम से बढ़िया बढ़िया खाना बनाओ, रोटी बनाओ। ये बाहर की रोटी तो यार मतलब रोटी खाने वाले नहीं खा सकते यार, बुरा हाल है यार, मतलब क्या करें यार, बड़ा मुश्किल है थोड़ा बिना रोटी तो सर्वाइव करना, क्या करें लेकिन बताओ। तो भाई मैं दिखाता हूँ ये आपको जुगाड़ वाला पराठा। तो वो रोटी थी, ये देखो स्प्रिंग पराठा है, ये बिला बिलाया आता है, फ्रोजन पराठा है, और ये आराम से इसको छीलो, बिला बिलाया आता है, इसको आराम से ऐसे निकालो। अरे निकल जाए यार, ये देखो ये बिला बिलाया आता है, इसको बस कुछ नहीं करना, इसको निकालना पैकेट से और आराम से तवे पे रख देना है। खाने में अच्छा होता है पर हेल्दी नहीं है। तो भाई ये पराठा मेरा रेडी हो गया है और मैं आपको दिखा देता हूँ। ए देखो, ये देखो भाई ये पराठा रेडी हो गया है मेरा। और यार ये पराठे को इसका नाम है इमरजेंसी का जुगाड़। तो भाई ये पराठा आप जब भी खा सकते हो जब आपके पास कुछ ना हो, इमरजेंसी का जुगाड़ है, फ्रोजन चीज़ है, हेल्दी नहीं है बिल्कुल भी। इसकी मैं कॉस्ट बता देता हूँ भाई, ये मैं लेके आया था, 5 पीस आते हैं, 5 पीस आते हैं $2.50 के। $2.50 का मतलब है भाई 150 रुपये के लगा लो आप, 5 पीस आते हैं, खाने में बिल्कुल अल्टीमेट लगते हैं, मज़ा आ जाता है। पर यार ये डेली नहीं खा सकते क्योंकि भाई फ्रोजन चीज़ है तो हेल्दी नहीं है, आँत में चिपक जाएगा, सुबह दिक्कत होगा फिर। भाई शाही पनीर मैंने लगा दिया गर्म होने के लिए। और भाई रोटी खाने वाले लोगों सतर्क हो जाओ भाई, सिंगापुर में बुरा हाल है रोटियों का, रोटी बाहर मिलेगी नहीं, मिलेगी तो बढ़िया नहीं मिलेगी, मतलब जैसे हम घर पे बनाते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम है रोटी की भाई, यहाँ बढ़िया क्वालिटी की रोटी नहीं मिलेगी, आपको पैसा भी लगेगा प्लस रोटियों में मज़ा नहीं है। तो यार एक चीज़ और बता दूँ भाई, अगर अब जैसे मैंने ना ये पूरा घर ले रखा, पूरी यूनिट ले रखी है और मेरे दो दोस्त मेरे साथ में रहते हैं, तो हम 3 लोग मिलके रेंट शेयर कर लेते हैं। तो भाई अगर आप रोटी खाने के शौकीन हैं और अगर आप चावल से परहेज है आपको मेरी तरह, तो आप क्या करें, अगर आप कमरा लेंगे बाहर कहीं रेंट पे जाके तो उसमें बड़ी दिक्कत होती है यार, उसमें जो लैंडलॉर्ड होता है चाइनीज़, अगर चाइनीज़ बंदा होगा तो वो कहेगा भैया खाना तो अलाउड ही नहीं है घर में बनाना, खाना वाना अलाउड नहीं होता घर में बनाना। तो उस केस में आपको कोई इंडियन, अगर आप कोई कमरा लेंगे तो आप भाई किचन का यूज़ नहीं कर पाएंगे, बस मैगी बना लो या कुछ चाय कॉफ़ी बना लो, इतना ही एक्सेस होता है उसका किचन का। कई कुछ इंडियंस ओनर हैं यहाँ पे, जो हैं यहाँ पे PR हैं, सिटीजन हैं, वो अलाउ कर देते हैं कि भाई तुम कुकिंग कर सकते हो। पर यार अगर कोई बंदा फैमिली के साथ में रह रहा है, फिर उसके बाद आप वहाँ पे मतलब आटा लगाओ और मतलब रोटी बनाओ, तो बड़ा थोड़ा मतलब थोड़ा अजीब सा लगता है। खैर वो मैटर करता है कि आप लोगों का कितना बॉन्डिंग है ओनर का और टेनेंट का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप भाई आप बाहर का नहीं खा सकते हो तो मैं ये एडवाइस करूँगा कि आप पूरी यूनिट रेंट पे ले लें, उसको उस यूनिट के साथ में आप दो दो तीन बंदों को आप अपने साथ में रख लें, शेयर करें यूनिट, मालिक बन के रहो, आराम से रोटी बनाओ, सब्जी बनाओ, आराम से मौज लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इस चीज़ का मतलब काफ़ी ध्यान रखें यार, क्योंकि अगर बाहर अगर आप एक कमरा रेंट पे लेते हो तो उसमें बड़ी दिक्कत है, आपको कमरे में ही रहना पड़ेगा। और आप जैसे लिविंग रूम है बाहर, सोफा है, हॉल है, सोफा है, उसमें मतलब आप नहीं बैठ सकते, उतना उतना अलाउड नहीं होता यार यहाँ पे, क्योंकि यहाँ फ्लैट सिस्टम है, घर वर्ग यहाँ पे है नहीं, क्योंकि सिंगापुर बहुत छोटा है। तो और किचन भी फिर ओनर ही एक्सेस करता है, तो वो कह देता है कि यार किचन अलाउड नहीं है, आप रोटी वोटी नहीं बना सकते, लाइट कुकिंग अलाउड है। लाइट कुकिंग अलाउड का मतलब है कि भैया चाय, गर्म चाय बना लो, कॉफ़ी बना लो, ओवन का यूज़ कर लो, इतना ही है। मतलब आप सब्जी टमाटर प्याज काट के बढ़िया सब्जी छोंक रहे हो और मस्त रोटी बना रहे हो, इतनी अलाउड नहीं होता यार यहाँ पे। तो घर ले लें आराम से, आराम से रहें, थोड़े से पैसे ज़्यादा लगेंगे पर थोड़ा ज़िंदगी में सुकून रहेगा, मेरी यही एडवाइस है आपको। तो अभी यार फिर मैं अपनी रोटियां, सब्जी मेरी पनीर हो रहा मस्त गरम, अब रोटी गरम करेंगे फिर खाएंगे आराम से। तो भाई खाना हो गया ख़त्म, आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट किसी व्लॉग में नए टॉपिक के साथ। अनटिल देन बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो भाई कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से सब्सक्राइब कर लेना, मस्त मस्त व्लॉग आते रहेंगे, मौज लो रोज लो। जय हिंद।